हमारे नए गली न्यूज इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वैसे तो आप पे भी आरोप लगा था कि वारिस पठान ने एक BMW ले लिया है, दो फ्लैट। बड़ी ईमानदारी के साथ किया हो, कुरान पे हल्फ रुपए हाथ रख के कसम खा के बोल सकता हूँ कि मुझे जो ऑफर दिया ना, मैंने लात मार के ठुकराया। वहां पे ट्राइंगल के अंदर वर्टिकल गार्डनिंग होगा, बीच में अच्छा गार्डन बनेगा और उसके ऊपर जो आप देख रहे हो खड़ा पारसी का, की बेसिक समस्या जो है, नहीं सुनिए बेसिक समस्या के साथ ये ब्यूटिफिकेशन, ये यार लोगों को चलने के लिए जगह नहीं है, रास्ते में हर जगह पे प्रॉब्लम है, रोड्स बराबर नहीं है, उसके बाद ये ब्यूटिफिकेशन एक कोने में पड़ा हुआ है। सारे काम आप चालू कर रहे हो, पानी ये वो खड़ा पारसी 1400 पार्किंग, इलेक्शन नजदीक आ रहा है इसलिए कर रहे हो। हाँ मॉर्लिन रोड के उसमें भी जो वहाँ के कॉरपोरेटर रही शेख, उन्होंने सब जगह ले गए ये गए, लास्ट में वारिस भाई आए अचानक और अपना थप्पा लगा दिए। 37 LED लाइट लगाना, छतरियाँ बांटना, बुक बांटना, ये क्या काम है? मैं उमरा में गया था रमजान में, वहाँ पे भी आपने दुआ मांगते हो, डायरेक्ट फोटो डाल दिए। मैंने नहीं निकाला, और कौन था वहाँ? अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ इतने चाहने वाले, क्या नाम है चोरई से बनाया था? नहीं उसने कुछ बनाया ही नहीं। क्या था जो बाद में तुमने पीछे से जाके किया? नहीं नहीं पीछे क्या से नाम, क्या नाम? अरे मुक्ति फोन। दोस्तों रोक टोक में आपका स्वागत है, आज रोक टोक में हमारे साथ है वारिस पठान जी। देखा होगा आपने बाइक कलर कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे जगह पर बोर्ड लगे हुए हैं 1400 पार्किंग रहेजा की, उन्होंने पब्लिक के लिए आम करवाई है। बहुत सारी बोर्ड है, होर्डिंग्स है, हर जगह पब्लिसिटी हो रही है, वारिस भाई ये करते हैं। वारिस भाई से रोक टोक में हमारे कुछ सवाल रहेंगे। वारिस भाई क्या आप तैयार हो? कुछ बहुत रोक टोक है, आप भी तैयार हो? हम भी तैयार हैं। आप भी रोक ठोकने के लिए तैयार हो? ठीक है। वारिस भाई 1400 पार्किंग का क्या है, क्या पार्किंग है? देखिए 1400 पार्किंग का इश्यू ये है कि जब मैं यहाँ पर चुनकर आया था 2014 में, तो एक 3-4 महीने जाने के बाद यहाँ पे काफी लोगों ने मुझे कहा कि वारिस भाई अपने पार्किंग का बहुत बड़ा इशू है, इतनी गलियों में बाइकें खड़ी है, गाड़ियां खड़ी है, गाड़ी जा नहीं सकती है, एम्बुलेंस निकल नहीं सकती, तो पार्किंग लो। मैंने कहा पार्किंग का इशू तो पूरे मुंबई के अंदर है, मगर BPL पार्किंग होती तो कुछ ना कुछ तो होगा। अब कुछ प्राइवेट बिल्डर्स ने क्या किया था कि कुछ पार्किंगें बेच दी थी। जब मैं बिल्डिंग प्रपोजल में गया, मैंने कहा मुझे बाइक अल्लाह के अंदर क्या पार्किंग का इशू, मुझे बताइए पार्किंग है। तो उन लोगों ने मुझे बताया कि वारिस भाई राहेजा जो टावर्स बना रहा है भिवरिया, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है कि हम इसको एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स देंगे जिसके एवज में ये हमको पार्किंग हैंड ओवर करेगा, और गार्डन का रिजर्वेशन है तो गार्डन रिजर्वेशन देगा। बोला वेरी गुड, क्यों नहीं दे रहा है? वो नहीं, वो टावर कंप्लीट करने के बाद देगा, ये देगा। बोला नहीं पार्किंग तो मस्ट है, चाहिए। कभी की बात है, 3 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 3-3.5 साल हो गए समझ लो इस बात को। अच्छा हमने लेटर लिखा तो भी नहीं दिया, फिर असेंबली का सेशन है, असेंबली के सेशन में मैंने इस बात को पूरी तरह से उठाया कि सर पार्किंग है, जब राहेजा के पास 1400 गाड़ी की पार्किंग हैंडओवर करने का पावर, तो क्यों नहीं लेती सरकार, मुझे पार्किंग चाहिए। सरकार ने कहा ठीक है हम करेंगे, दिलाएंगे वारिस पठान। सेकेंड सेशन में उठाया, नहीं दे रहे थे पार्किंग, फिर आ गया, आपने देखा झूला मैदान का इशू। तो कुछ लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि हमारा झूला मैदान जो आइकॉनिक एक मैदान है जिसमें हमारे बच्चे इतने बरसों से खेलते हैं, तो उनके मुंह में आई लालच, उन्होंने सोचा कि हम लोग ये झूला मैदान के अंदर अंडरग्राउंड पार्किंग बना देंगे, राहेजा की पार्किंग बच जाएगी। बोला वारिस पठान के होते हुए तो ये नहीं होगा इंशाल्लाह, झूला मैदान के पहले मैदान को बचाया। मैंने कहा कि नहीं राहेजा की अगर पार्किंग है तो झूला मैदान में पार्किंग क्यों, क्यों बच्चों के से मैदान खींचा जाए। जो लोग राहेजा की पार्किंग रोक रहे थे, मतलब पब्लिक, उनका मकसद क्या था? उनका मकसद यही था कि अगर यहाँ पे पार्किंग बन जाती अंडरग्राउंड तो राहेजा का काम आधा हो जाता, पैसे बच जाते। आज हमने 60-70 करोड़ की जो राहेजा की पार्किंग की जगह थी वो ली है, तो कुछ है मफाद परस्त लोग जो चाहते थे हमारे बच्चों से हमारा मैदान छीनना, मगर हम मैदान तो छीनने नहीं देंगे किसी भी कीमत पे, मैदान भी बचाया। उसके बाद CM के पास मीटिंग किया, बोला सर मेरे को पार्किंग चाहिए, CM ने कहा देंगे। अब जब ये आ गया कि पेनल्टी वगैरह मार रहे, तो मेरा कमिश्नर के साथ मीटिंग हुआ, कमिश्नर ने कहा वारिस भाई आपका प्रपोजल पूरा पास है, कमिश्नर को मिला, उन्होंने लेटर दिया कि ठीक है आप 2 दिन के बाद जाकर प्रोटोकॉल के हिसाब से पार्किंग आप ले लीजिए, BMC के ऑफिसर आएंगे, वार्ड ऑफिसर आएंगे, ट्रैफिक पुलिस आएगा, आप सबके सामने जाकर ले लीजिए। बड़ा बहुत खुशी की खबर है ये। हम गए प्रोटोकॉल के हिसाब से, पूरा पार्किंग को देखा, लिया, BMC के हाथ में पार्किंग हैंडओवर किया और राहत की एक सांस ली कि चलो मदनपुरा बाइक अल्लाह सबके लिए पार्किंग हो गई, ताकि अब पेनल्टी नहीं देना पड़े किसी को। अब इशू यहाँ है, इशू नहीं है मतलब ये तो प्रोसीजर है,
अब बीएमसी एक टेंडर निकालेगी, टेंडर क्योंकि संभालना जरूरी है, 7 माले है, 4 माले ऊपर है, 3 माले बेसमेंट है। उतना डीप में नहीं जाते, ये रोक टोक अपनी आपस की बात है। तो उसको सिक्योरिटी के लिए भी तो सिक्योरिटी चाहिए ना, सिक्योरिटी वहाँ घर। जैसे अभी आपने इल्जाम लगाया कि कोई लोग अपने मुफाद के लिए, वैसे तो आप पे भी आरोप लगा था कि वारिस पठान ने एक बीएमडब्ल्यू ले लिए, 2 फ्लैट ले लिए, शायद आपको पता है ये बात की अपने डिस्कस हुई थी। लोगों का तो काम है कहना। नहीं, ये हुई थी ना बात, आपको भी पता है ना। नहीं, मेरे पास कोई ऐसा इल्जाम नहीं लगा। हाँ, जब ये झूला मैदान का मैं लेने गया था तो कुछ लोग आए भी थे मेरे पास, वारिस भाई आप क्यों पार्किंग के पीछे पड़े हो, जैसे दूसरे कॉर्पोरेटर सेट हो गए आप क्यों नहीं करते। मैं बोला इतने में तो वारिस पठान अपनी तस्वीर नहीं बेचे, तुम्हारा ईमान खरीदेगा। ये लोग जो मेरे पे भरोसा करके मेरे को जीता है, तो इसके लिए मैं आया हूँ क्या यहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास रोरिंग प्रैक्टिस थी सलीम भाई, मुझे क्या अल्लाह ने दिया था, 2 रुपया खाता था, कुछ था, मगर यहाँ आया हूँ, बड़ी ईमानदारी के साथ किया हूँ, कुरान पे हल्फ पे हाथ रख के कसम खा के बोल सकता हूँ कि मुझे जो ऑफर दिया था मैंने लात मार के ठुकराया, और आज मैंने पार्किंग मेरे लोगों के लिए दिया। अब ये वफात परास लोग जो चाहते हैं कि नहीं हम करें, उनके सारे इरादे और मंसूबे पूरा भाईकल्ला समझ गया है भाईकल्ला के, एक एक आवाम उनको जवाब मिलेगा, क्योंकि मैं हल्फ पे बोलता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। आप करो, हमारा मैं भी टोकता हूँ। गुड़बदे का मैटर ले लो, गुड़बदे में पानी नहीं था, वहाँ पर लोगों ने हमारे को इंटरव्यू दिया था कि बहुत बोलने के बाद भी कोई आया नहीं, मिनिस्टर कुछ आया नहीं, कुछ हुआ नहीं, वारिस भाई नहीं आए, कॉर्पोरेटर नहीं आए, कोई नहीं आया, उनकी लाइन काट दी गई थी। आज क्या पोजीशन है जी गोड़बदेव के अंदर? आपको पता है 10 दिन पहले जब वो असेंबली का सेशन चल रहा था, उसके बाद में आपका फ़ोन आया था कि, तो मेरे को तो पता नहीं था किसका फ़ोन, मुझे आया नहीं था। जैसे नेक्स्ट डे पता चला, आप ही ने मुझे बताया था, वारिस भाई वहाँ पर लाइन काट दी। बोला अरे चलो आता हूँ। हम गए वहाँ पर, देखे, बीएमसी वाले को बुलाए तो बोले कुछ इलीगल कनेक्शन था, वारिस भाई वो निकाला, वो भी कंप्लेंट कॉर्पोरेटर्स ने किया था। अरे शर्म से डूब मरना चाहिए तुम लोगों को, किसी की पानी की लाइट कटने में शर्म नहीं आती तुमको? अरे एक एक बूंद पानी का हिसाब तुमसे लिया जाएगा। मेरे हदीस है, अगर तुम किसी को एक बूंद पानी दोगे उसका सवाब तुमको दोनों जहां में बेहतर से बेहतर अल्लाह देगा। उसी दिन से अरे बहुत सारे कॉर्पोरेटर लग गए थे, बहुत कॉर्पोरेटर लगे थे, खाली एक पार्टी का नाम मैं नहीं लेता किसी का, मैं किसी पे वो नहीं करता सलीम भाई। नहीं, उस एरिया का कॉर्पोरेटर कौन है? अरे यहाँ पे एरिया का प्रोटोकॉल मानता कौन है? यहाँ के कॉर्पोरेटर वहां जाते हैं, वहाँ के कॉर्पोरेटर यहाँ आ रहे, सभी तो ऐसा घूम रहे, अपनी अपनी रोटी सब सेकने में लगे हुए। मगर मैं खुश हूँ, मेरे पास 6 कॉर्पोरेटर है मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मुझे उनसे शिकायत नहीं है, लोगों को शिकायत है, याद रखना, कि आपने पानी छीनने की कोशिश की थी। मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि मैं यहाँ पर नई लाइन लाट डालूंगा, उस दिन से हमने मेजरमेंट किया, जो नाले बह रहे थे उनको क्लियर किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह पानी का मैंने स्विच चालू किया, इतना अच्छा पानी आया, फ्लो में पानी आया, कि आज 500 घर में मोदी कंपाउंड वालों को एक साफ पानी पीने को मिलेगा, उनके घर में मिलेगा, जो उनको पिछले 80 वर्षों में नहीं मिला। भाई इसका देखो, सुनिए सलीम भाई, ये मैंने कोई मेरे पॉलिटिकल गेन के लिए नहीं किया, ये मैंने एक एक बूंद के पानी का सवाब मिलता है, इसे मेरे और अल्लाह के बीच की बात है, अल्लाह इसको कबूल करे मेरी मेहनत को, और दोनों जहां में मुझे अच्छी बात है, वो बहुत अच्छी दे। मैं लोगों से कहूंगा दुआ में याद रखिए। खड़ा पारसी का आप क्या बोल रहे हो? हाँ, खड़ा पारसी का क्या था, मैं चाहता था भाईकल्ला के अंदर ब्यूटिफिकेशन, जैसा मैंने आई लव भाईकल्ला बनाया एक सेल्फी पॉइंट, तो खड़ा पारसी का मेरे बहुत वक्त से ध्यान था, तो मैंने एक प्रपोजल डाला था कमिश्नर साहब के पास कि मुझे खड़ा पारसी को अच्छा ब्यूटीफाई करना है। तो उन्होंने कहा था किस तरह से ब्यूटिफिकेशन करना चाहते हो, मतलब अपन डिसाइड करेंगे। तो फिर मैंने जब आर्किटेक्ट से बात किया सबसे, तो उन लोगों ने कहा कि वारिस भाई अपन इसको एक वर्टिकल गार्डनिंग की तरह बनाएंगे, जो सिंगापुर में होता है, बहुत खूबसूरत लगेगा। वहाँ जगह का है वारिस भाई? है, जगह है, कोने में चिपका हुआ पड़ा हुआ है वहाँ पर, दोनों तरफ यूँ ट्राइंगल है। हाँ। वहाँ पर ट्राइंगल के अंदर वर्टिकल गार्डनिंग होगा, बीच में अच्छा गार्डन बनेगा, और उसके ऊपर जो आप देख रहे हो खड़ा पारसी का, की बेसिक समस्या जो है, नहीं सुनिए बेसिक समस्या के साथ ये ब्यूटिफिकेशन, ये यार लोगों को चलने के लिए जगह नहीं है, रास्ते में हर जगह पे प्रॉब्लम है, रोड्स बराबर नहीं है, उसके बाद ये ब्यूटिफिकेशन एक कोने में पड़ा हुआ है। कोना नहीं है, आपको गलत, आपको पता ही नहीं है भाईकल्ला क्या है, भाईकल्ला का आइकॉनिक प्लेस ही पाई है खड़ा पारसी। खड़ा पारसी 140 बरस से पुराना है, आपको पता होना चाहिए। खड़ा पारसी ऊपर जब लाइट लगेगी तब लगेगा कि हाँ वाकई के अंदर एक सिंगापुर का ही कुछ खूबसूरत जगह भी होना चाहिए। भाईकल्ला को आप सिंगापुर बना रहे हो? दिस विल बी द सिंगापुर टाइप बनेगा इंशाल्लाह, सेल्फी पॉइंट बनेगा, मेजरमेंट हो गया कल, अब बारिश क्योंकि आ रही है घड़ी घड़ी, जैसा रुकते के साथ काम शुरू होगा, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी सबसे बड़ा सेल्फी पॉइंट इस जगह पे बनेगा, वो है खड़ा। तो बीएमसी कमिश्नर साहब ने मुझे बुलाया मेरे प्रपोजल पे, पब्लिसिटी बहुत पब्लिसिटी में आप जाते हो, बहुत पब्लिसिटी में जाते हो। मैं पब्लिसिटी करता ही नहीं, मुझे जरूरत क्या है? अरे मैं स्पोक्स पर्सन हूँ, मुझे जो रोज बोलता हूँ टीवी के ऊपर 52 कंट्री में, मैं ऐसा ही चला जाता हूँ, मुझे पब्लिसिटी लेने की क्या जरूरत है?
मेरा काम मेरी पहचान है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का स्लोगन है, आवर वर्क इज आवर आइडेंटिटी। पब्लिसिटी की क्या बात है, ये अंगूर चंगूर मंगूर पब्लिसिटी की क्या बात है। आपके जो दिखता आपके है सहयोगी आपके ही पार्टी के इम्तियाज जलील साहब हैं, वो भी एमआईएम में है, मगर उनका लहजा और वारिस पठान का लहजा बहुत कम, जमीन आसमान का फर्क, एक ही पार्टी है और मतलब बहुत लहजा अलग है। बिल्कुल, इम्तियाज जलील मेरे भाई है, माशाल्लाह देखो एमपी बन के दिल्ली में गए, 28 दिन में जीते, 4 लाख वोट लिया, बड़ी बात है। जिस तरह 5 उंगली सेम नहीं होती, उस तरह सेम नहीं हमारे दिल एक है, जज्बात एक है, क्योंकि अपन पैदा हुए यहाँ मुंबई में, वो बड़े उठे, तो यहाँ की जो भाषा है वो बड़ी अलग है, तो वो अपनी जो भाषा है सलीम है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, और उनकी भाषा माशाल्लाह एक उर्दू लहजा है, औरंगाबाद के है, तहजीब तमीज़ वाली भाषा करते, और मैं तो आप तमीज़ वाली बात नहीं करते अभी क्या है, अरे सलीम आप बॉम्बे लैंग्वेज बदतमीजी पे हम आ गए, तुम शरीफ होगा फिर क्या होगा सलीम भाई यार। सही बात। वरिष्ठ भाई, बहुत बहुत जगह पर बहुत सारे काम आप चालू कर रहे हो, पानी ये वो खड़ा पारसी 1400 पार्किंग, इलेक्शन नजदीक आ रहा है इसलिए कर रहे हो? नहीं 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 नहीं, ये लोग लेट कर रहे थे गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट में मैंने प्रपोजल 3-3 साल 3.5 साल से डाल के रखे, हर मरतबा मैंने इश्यू उठाया, आज मुंबई के अंदर बाइक अल्लाह ने एमएलए की सुनवाई नहीं है, चिल्लाते हम लोग सरकार है ना सुनती नहीं, बीजेपी शिवसेना की सरकार तो लूट लिया पूरे मुंबई को पूरे महाराष्ट्र को, मगर परसिस्टेंटली बोला फॉलो किया, आज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चीज बन रही है बाइकल्ला के अंदर, जो मैंने वादा किया था, अकबर भाई ने कहा था कि हम वो काम करेंगे जो कोई नहीं किया, हर एक चीज का असेंबली में हमने उठाया, आपने वो नहीं पूछा मुझे हमने ड्रग्स वालों को किस तरह पकड़ा, हाँ, ड्रग्स का सॉरी दौड़ा दौड़ा के मारा, कवर किए थे दौड़ा दौड़ा के पकड़ा सबको, और आज देख लो नारियलवाड़ी कब्रिस्तान के बाहर कोई बेच रहा है क्या, और जहां जहां मालूम पड़ता है हम वहां वहां जाते, क्योंकि हमने जब असेंबली में उठाया सीएम साहब ने मुझे आश्वासन दिया। ज्यादा एक्टिव नहीं हो गए वारिस भाई इलेक्शन के टाइम पे, अभी आने वाला है, क्योंकि वो नारियलवाड़ी कब्रिस्तान में आज से नहीं पहले से बहुत प्रॉब्लम है, वो पहले से चल रहा है, पहले भी मैंने किया था, उसके बाद ये वापस शुरू हुआ, क्योंकि पहले जब हो रहा था लोगों ने कहा अंधेरे की वजह से होता है, मैंने 37 एलईडी लाइट्स लगा दिए वहां पर, वो भी आपने नहीं बताया, 37 एलईडी लाइट्स मैंने लगाया नारियलवाड़ी कब्रिस्तान में उजाला करने के लिए, अब उजाले में होने लगा तो जा जाके पकड़ा, और अब कोई नहीं कर रहा, जहां जहां मालूम पड़ता है हम लोग पकड़ते, क्योंकि सीएम साहब ने कहा था, मुझे आश्वासन दिया था फ्लोर ऑफ द हाउस में कि मैं 8 दिन के अंदर कमेटी बनाऊंगा और कमिश्नर के साथ बैठ के बात करेंगे और उसका सुनेंगे। ये वारिस जी ये क्या है, ये पिछले 5 साल में हमने कभी आपकी छतरी नहीं देखी, ये अच्छा, सुनिए इसी साल छतरी क्यों निकल रही है, जरा इसको खोलिए ओपनिंग कीजिए, जरा जरा बताए छतरी, वारिस भाई की फोटो दिखना चाहिए, ये है देखो, देखिए चलो ये मेरा छाता, तेज धूप से ये लड़ जाता, इस छतरी में हम इंटरव्यू लेते हैं, सुनिए, हाँ मेरा छाता तेज धूप से ये लड़ जाता, वर्षा के आगे बढ़ जाता, काम बड़ा ये मेरा आता मेरा छाता, ये तो ये बाइक अल्लाह की आवाम के लिए मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट है, कुछ लोगों तक मैं जाता ये पहुंचाना चाहता हूं कि देखिए आप पब्लिसिटी मास्टर हो वारिस भाई, पब्लिसिटी नहीं करना चाहता सलीम भाई, मैंने 4 साल में बहुत काम किया, 4 साल में आपने कितनी बार छतरी बांटे, सेकंड टाइम नहीं, इसके पहले बांटा था, छतरी बांटा मशीन बांटा उसके बाद में पठान का बच्चा, चलो देखो छतरी रख दो, छतरी बांट रहा हूँ, पब्लिसिटी इसलिए क्योंकि क्या हो रहा है सलीम भाई, आपको रियलिटी बताता हूँ कि काम क्यों दिखा रहा हूँ मैं, नहीं देखो ये कर रहा हूँ, पहले मैं काम करता था, सब प्रपोजल में डालता था, मफाद परस कॉर्पोरेट, अच्छा, हाँ, और क्या करते थे मालूम है, हमने किया, अरे हमने का लोगों ने बोला तो काम वारिस भाई का है, चलो वो उसी बात पे आ जाते हैं, वो अपना क्या नाम है वो गली का जो झोपड़पट्टी है, वो वहाँ पर शिफ्ट किया गया है मॉलन रोड, हाँ मॉलन रोड के उसमें भी जो वहाँ के कॉर्पोरेटर रही शेख उन्होंने सब जगह ले गए ये गए, लास्ट में वारिस भाई आए अचानक और अपना थप्पा लगा दिए, नहीं अचानक वो आके थप्पा लगा, इसलिए मैं भी दिखाता हूँ, अब देखो आप, अरे इब्तदाई इश्क़ होता है कि आगे आगे देखिए होता है क्या, अब इनको सियासत सीखने का मैं सिखाऊंगा ना इनको, अकबर भाई ने क्या कहा था, सियासत हमारे घर की लौंडिया है, मुझे इनसे सियासत है, अब इनको सियासत सिखाऊंगा मैं क्या, मेरा प्रपोजल है वो, उस दिन बेचारे सारे झोपड़पट्टी वाले खड़े रह के हाथ उठा के रमजान के महीने में बद्दुआएं दिए, अरे मैं बोलना चाहता हूँ ऐसा काम मत करो यार, सियासत एक जगह कुर्सी के लिए इतनी बद्दुआएं क्यों झूठ बोलते हो, क्यों झूठ से कुछ फायदा नहीं होगा, जनता जनार्दन है सब जानती है, बाकी एक बात धंधे पे बिठाई तो लात मार के फेंकना जानती है, याद रखना टाइम आ गया है तुम्हारा, एक बात है चाहे लोग कितना भी पीछे से काम किए हो, आपके जो बोलने के बाद जो स्टाइल है और आपकी जो स्पीच है उसके आगे आदमी हथियार डाल देगा,
वो तो बोला नहीं वारिस भाई तुमने ही किया। ये हथियार डालने वालों में से नहीं है जाड़ी चमड़ी के लोग, इनको शर्म हया गैरत खुदा का खौफ नहीं है, लोगों का डर नहीं है कि लोगों को सब मालूम है। ये सिर्फ झूठ पे अपनी सियासत की रोटी सेकते हैं, मगर इनका झूठ का पर्दा हो गया फाश। सलीम भाई इनका टाइम खत्म हो गया, अपना टाइम चलो पब्लिसिटी आएगा, इनका टाइम खत्म हो गया, अब इंशाल्लाह अपना टाइम आएगा। ठीक है, वर्ष में रही पब्लिसिटी के बारे में जो हमारा आरोप है, अभी वापस आपने जो टिकटॉक 07 है असद साहब के स्टेज पे आपने वही बात कही, तो क्या वो माइलेज के लिए कही आपने? अरे नहीं, टिकटॉक वाले लोग क्या आए थे, आप आए मेरा इंटरव्यू लेने, मौलाना लोग फोन कर रहे, गोंडी वाले फोन कर रहे, मलाड़ वाले फोन कर रहे। आपको आपको इसके बारे में पूरा आगाह किसने किया और आवाज उठाने किसने किया? मैं बताऊं इस बात के लिए आगा मुझे किया कुछ मौलानाओं ने और कुछ तंजीमों ने बताया कि वारिस भाई इनके साथ ऐसा हुआ है, मगर वाकई में अगर किसी इंसान ने आके बोला वारिस भाई आप इसके ऊपर एक इंटरव्यू दो और उनकी मदद करो, तो वो थे सलीम भाई गल्ली न्यूज़ वाले, क्रेडिट इनको जाता है। इन्होंने मुझे बताया कि वारिस भाई मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, आप इस पर बोलो, और हमने बोला वो, और एक दिन के अंदर वो वीडियो चला गया 1.7 मिलियन सलीम भाई, तो उस क्रेडिट आपको भी जाता है, आपने मुझे जगह बोले वारिस भाई बोलो। अब बोलने के बाद इतने लोगों के और फोन आ गए इनके लड़ो, तो मैं कमिश्नर के पास गया। हाँ, वो भी कमिश्नर को मैंने निवेदन दिया कि आप ये मासूम बच्चे 19-20 साल के हैं सलीम भाई, 26 मिलियन फॉलोवर है, आपके गली न्यूज में था, इनके खिलाफ क्यों ऐसा? उन्होंने कुछ सांप्रदायिक तनाव फैलाने की बात ही नहीं की थी यार, एक सिंपल अपनी बात रखी, जो पिक्चरों में डायलॉग होते हैं वो रखे, उनका कोई सियासत की पार्टी से लेना देना नहीं है, तो उनके खिलाफ FIR क्यों? तो कमिश्नर साहब ने लेकिन बड़े अच्छे से सुना था, और मैंने कहा था सर उनका अकाउंट जो डीएक्टिवेट किया एक्टिवेट कर। नहीं, मगर आज जो कोर्ट में पुलिस का जो वर्जन था वो तो बहुत स्ट्रिक्ट था, मुझे नहीं लगा कि उस उन्होंने को लीनियंसी पुलिस की तरफ से दी गई। देखिए मैंने जब बात किया था तब तो उन्होंने एंटीसिपेटरी डाला ही नहीं था, अब इनको एडवाइस किसी ने दिया एंटीसिपेटरी डालने की, तो मुझे नहीं पता है किसके पास ये गए थे, कौन सा वकील गया था, मुझे कुछ नहीं बोला, लेकिन लोगों ने बहुत मुझे चाहा कि नहीं वारिस भाई आप इसको और उठाइए, तो मैंने स्टेज पर भी इनको। अच्छा वारिस भाई, आपने कुछ ये पब्लिसिटी करने का कुछ कोर्स वोर्स भी किया हो क्या? सलीम भाई पब्लिसिटी करने का क्या मतलब, MBA वगैरह कुछ किए हो जो? अगर मुझे पब्लिसिटी ये सब आपके आपकी पब्लिसिटी देख के तो बड़े से बड़े जो ये पब्लिसिटी एजेंसी है वो हो जाती है क्या? इंडिविजुअली इतना पब्लिसिटी करते वारिस भाई? मैं पब्लिसिटी करता ही नहीं, मेरा काम हो जाता है, लोग अपने आप देख लेते हैं, मेरा अपने आप नाम हो जाता है। अरे जिसका है काम उसी का होगा नाम ना, मैं कोई घर में सो के कुछ किया पब्लिसिटी? मेरा घर में कोई सोता हुआ वीडियो आपने देखा नहीं, मैं जो बोला हक की लड़ाई लड़ा वही वीडियो चला, मैंने जो काम किया वो दिखाया वही चला, पब्लिसिटी नहीं है। 32 LED लाइट लगाना, 37 LED लाइट लगाना, छतरियां बांटना, भूख बांटना, ये क्या काम है? बिल्कुल लोगों की समस्या, लोगों के दुख दर्द में उनके साथ छतरी बांटना। अरे कितने बेचारे ऐसे जब जाते सलीम भाई, मैं देखता हूँ एक छतरी में दो लोग बच्चे, तो मैं सोचा नहीं यार छतरी बना के सबको दो, क्यों ठंडी में फुटपाथ पे जो लोग सोते हैं उनके लिए कभी वारिस भाई ने कंबल? अच्छा अभी बनाओगे तो उस पर भी तुम्हारा फोटो रहेगा कंबल अम्बल पे? आपको पता नहीं सलीम भाई, लेकिन मैंने वाकई में पिछले सर्दी के अंदर अतमश याद है बेंड्रा, पिछले सर्दी के अंदर हम लोग यहाँ से निकल रहे थे, जो गरीब लोग यहाँ पे सोते थे ना, कंबल का ऑर्डर दिया हमने और कंबल रात को जाके डाला है उनके, तो उसको प्रिंट नहीं कर रहा भाई, तो मालूम कैसे पड़ेगा? अरे सलीम भाई वारिस पटेल निकल गया गली से तो मालूम पड़ गया था लोगों को, आ गया। आप ये तुम जिनके लिए बोल रहे हो ना उनको तो मैसेज मिल गया पब्लिसिटी, देखो जो है किसके लिए बोल रहा हूँ तो किसके लिए बोल रहा हूँ? मैं बोलता हूँ लोगों के लिए जो खौफ नहीं, मैं किसके लिए बोल रहा हूँ? दिल में आप ऐसे लोग हैं जिसके साथ आप रात को बैठ के शीशा वगैरह पीते हो कभी, वो थोड़ा सा गलत है सलीम भाई, वो अच्छे लोग नहीं है, आप दूर, आपका भी नाम खराब कर देंगे वो लोग, क्योंकि पब्लिक गाली करेगी, आपको भी गाली देंगे, फिर बोलेंगे गली न्यूज को वारिस पठान इंटरव्यू दे रहा है, गाली खाने वाले काम मत करो, देख सच सरल काम करो, क्योंकि रोक और ठोक है, तो मैं भी ठोकूंगा ना, जिनके साथ हम बैठे हैं ना वो पॉलिटिक्स में है नहीं। अरे सलीम भाई बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, और जिनके साथ मैं भी बैठता हूँ ना वो रात को एक चप्पे चप्पे की खबर मुझे ला के देते हैं कि क्या हो रहा है, शहर में रहना है तो सब इन्फॉर्मेशन तो रखना पड़ेगा, थोड़ी बहुत जानकारी तो मैं भी रखता हूँ ना सलीम, हम तो पूरी पूरी रखते हैं भाई, रखना चाहिए, आपका काम है, और पब्लिसिटी नहीं, मैं जैसा बताया मैं टीवी पर रोज बैठता हूँ, स्पोक्स पर्सन हूँ, बात करता हूँ, लोग ऐसा ही देखते हैं, अरे पब्लिसिटी लेना होगा शाहरुख खान और चमाट मारूंगा तो पूरे वर्ल्ड के अंदर पब्लिसाइज हो जाएगा, तो क्या ऐसा लेना चाहिए क्या मुझे? मेरे काम की आपने मैंने बताया ना, मैंने पब्लिसिटी को खाने का वक्त दिया नहीं, सोते वक्त मेरी पब्लिसिटी नहीं, अरे जो काम करता हूँ वो नहीं दिखाऊं? आप हज पे गए थे, आप हज पे के वहाँ दुआ मांगते हुए आपने उसकी वीडियोस और ये सब फटाफट वायरल कर दिए थे? नहीं नहीं नहीं, उमरा पे गए थे शायद, मैं उमरा में गया था रमजान में, वहाँ पे भी आपने दुआ मांगते हुए डायरेक्ट फोटो में डाल दिए, मैंने नहीं निकाला, और कौन था वहाँ? अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ इतने चाहने वाले थे, अरे वारिस भाई हमारे लिए आप जब बात करते हो बहुत अच्छा लगता है इंडिया के अंदर, आप ये बोल दो, दूसरी कंट्री वाले भी थे, उन्होंने फोटो निकाल के वायरल किया, मेरे लोगों ने शेयर कर दिया, मैं तो दुआ मांग रहा था ना,
वहां जाके मैं ये काम करूंगा, जिसने बुलाया वही रखवाला है, अल्लाह का मेहमान था। चलो बस। अरे सलीम भाई पब्लिसिटी का, लेकिन क्या हो रहा था मालूम है, काम मेरा नाम दूसरे ले रहे थे। अरे तो उनको रोकना चाहिए कि झूठी पब्लिसिटी क्यों लेता है मैं तो अपने काम से अपना नाम करता हूँ। हमारा काम, लोगों ने मुझे मोहब्बत से लाया, दुआओं से नवाजा, तो उनका काम नहीं करूँगा तो किसका। मदनपुर में वो मेडिकल वो बना था, क्या नाम है, क्या बना था वो, नहीं बना था ना, क्या नाम है, चोरई से बनाया था, नहीं उसने कुछ बनाया ही नहीं है। क्या था जो बाद में तुमने पीछे से जाके किया? नहीं नहीं पीछे क्या से नाम, क्या नाम? अरे मुक्ति फौज हॉस्पिटल का भी सुनो, अब अपने बात निकाले तो उसने पेपर निकाल के रखा था, रख दिया। मुक्ति फौज हॉस्पिटल बीएमसी का था, मैंने उसको पास कराया, बीएमसी ने फंडिंग दिया, जाके चालू कौन कर रहा है, कोई तीसरा आदमी। अच्छा उसमें मेरा भी समर्थन कौन किया था? तो बीएमसी से। सुनिए सुनिए, मेरे समर्थन में एक वहां पे इंसान थे बुजुर्ग, क्या नाम था, हुसैन भाई। उनकी लगातार परसिस्टेंटली मेहनत थी, और मैं जब से जीत के आया था वारिस बापू ने करेंगे, हमने काम किया, पास हो गया, काम चालू हो गया। अब कॉरपोरेशन में क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखो। कॉरपोरेशन में ये लोग बैठते जाके कॉरपोरेटर्स को देखते, भाई कल लगा क्या क्या पास हुआ, अच्छा ये पास हुआ, ये पास हुआ, कॉरपोरेशन में आता है। अब वो आके बोल देते हमने कर दिया। अरे झूठ की भी कोई हद होती है यार, इतना तो झूठ मत बोलो, पब्लिक सब जानती है। पूरी बीएमसी ऑफिशियल्स आए थे उसमें, वो आए थे बाद में आपने जाके सेकंड ओपनिंग की? नहीं मैंने पहले ओपनिंग किया। अच्छा यानी आपने आपको नहीं बुलाया इसलिए आपने ओपनिंग कर दी? मैंने पहले ओपनिंग किया, उसके बाद बीएमसी ने बुलाया, मैंने क्या बोला, मैं तो ओपनिंग कर दिया। उसके बाद जो उस वार्ड की स्थानिक नगर सेविका थी ना, जो उस वार्ड की थी, उसने भी जाके की जिसका हक था। बाकी कोई तीसरा चौथा आगे, मैं जाके कल वीटी पे बोर्ड लगा दूं, मैंने वीटी बना दिया, मेरा हो गया नहीं तुम्हारा। अरे तो पब्लिक जानती है ना, यहाँ बिठाया ना, फटाक लात मार के फेंक दी। देखिए कुछ भी हो, कुछ भी हो, पब्लिसिटी हो, ये हो, बाइकल्ला जो है विधानसभा क्षेत्र वो बहुत नसीबदार है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है उसमें आ गए हैं, पॉलिटिक्स में आ गए हुए, और बहुत सारे लोग कुछ काम करके दिखाना चाहते हैं, इसमें पब्लिक का फ़ायदा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि वारिस पठान जो है पब्लिसिटी कर रहे हैं, मगर काम हो रहा है पब्लिक का। मैं ये नहीं कह रहा कि रईस पठान वो कर रहा है, काम हो रहा है, रईस शेख ये कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि गीता गली ये कर रही, मगर काम हो रहा है। मैं तो चाहता हूँ कि कॉर्पोरेटर है उनके भी नाम लो। नहीं नहीं पहले तो खाली तुम्हारे फोन लोग के नाम क्यों लेते हो, जिसके साथ तुम बैठते हो, यशवंत यादव है, राठे हैं, जाम शूटकर है, वो कभी मेरे छह कॉर्पोरेटर है, मेरे छह अनमोल रत्न, एमएम के नहीं हो तुम, एक दो को नहीं बोल सकते हो, एमएम के बेचारे मेरे से कभी खराब नहीं, एमएम के नहीं हो, और ये सब नहीं करते। अरे इंशाल्लाह ये सब नहीं होता जाएंगे। नहीं नहीं ये सब नहीं करते, मेरे छह अनमोल रतन, ये नहीं आपके दो असद साहब के दो अनमोल रतन, एक है वारिस पठान और एक है इम्तियाज जरीन, ये हमारा डायलॉग रहने दीजिए, गली उसका डायलॉग, असद भाई के दो अनमोल। हाँ तो बात ये है कि जो भी हो, चलो अगर आपके लोग भी हरीफाई में काम करते हैं, इसमें पब्लिक का फायदा है। वारिस भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपने रात को इतना टाइम दिया, थैंक यू। डोंट टेक इट हार्ड, नहीं नहीं आप पार्ट पे मत लो, मैंने कुछ भी नहीं, मैंने आपको खूब ठोका आज, मेरा काम। चलिए बहुत बहुत थैंक यू, गलियों से बात करें, धन्यवाद।